यही आवाज आती जा रही है, हुकूमत आ रही है जा रही है, कि जिस पे लेती है सरकार नोटिस वही शय महंगी होती जा रही है। भाई कुछ समझ नहीं आ रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज ठाकुर साहब कलरफुल लग रहे हैं सर। मैं तो कलरफुल लग रहा हूं, लेकिन आप क्या लग रहे हैं? ये आज आपने जो हेयर स्टाइल किया है जी सर जी, ये क्या किया है? आपने हेयर कट तो नहीं कराया कहीं? जी सर जी सर। अच्छा अच्छा, बाल कटवाए हैं, वही कुछ लग रहा है आज मुख्तलिफ आपका। कम करवाए हैं सर, लोग जेलस होते थे। आप भी बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। आज आप इंग्लिश शहजादे सलीम लग रहे हैं सर। अच्छा, इंग्लिश में भी शहजादा सलीम, विलियम भी कह सकते थे, मगर आपने वहां भी शहजादा सलीम ही डाला। हम आपको देसी रखना चाहते। अनारकलीन कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी। इहो जे बंदे शहजादे वाले कपड़े पा के तो मुर्गियां वाले पंजे लैन दे हुंदे। अजी बात, शाही किले जाके टिकट नहीं ले रहे, उनके मुगल आजम मेरे चचा थे। इस तरह के शहजादे बादशाह नूं कह रहे होंदे ने कि घोड़ा मेरे को है कि टांगा लै दे उन्हां। अच्छा, इस तरह के शहजादे शहजादों वाला लिबास पहन के ना चोबदार को कह रहे थे बदतमीजी की ना मैं टक्कर मारा। इस तरह के शहजादे करियाने वाले को जा कहने होंदे तीन दिन हो गए रोटी नहीं खाती। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, मॉडल हैं मोहतरमा सोनिया चौधरी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, हमारे बहुत ही फेवरेट, जब भी आते हैं तो पॉजिटिविटी और स्माइल्स बिखेर के जाते हैं, जनाब अशरफ खान साहब। वेलकम टू द शो जी। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। शाहकार आ गया, बिलाखिर सोनिया जी आ ही गए। जितनी प्यारी शख्सियत है, इतना प्यारा ही मैं शेर लाया हूँ जी। अपने उस्ताद जी के आज मजाक मजाक में ठाकुर देखो कौन आया। 50-50 जैसे टीवी प्रोग्रामों की जान, जान। मेहदी हसन के गानों पर जो एक्टिंग करते थे अशरफुल मखलूक के, ये हैं प्यारे अशरफ खान। क्या कहने, क्या बात है कैसर पिया आपकी। शेर सोनिया जी तुहाडे लई। अच्छा, दिल दा हाल कह नहीं दिता, दिल दा हाल कह नहीं दिता, सजना नाल बैठ नहीं दिता, ते मैनू यार ख्याला दुख ने खुशियां नाल भी रहन नहीं दिता। हर गम हम हंस के सहते हैं, अरे वाह, आंख से खून के आंसू बहते हैं, हाय हाय हाय, जो हर पल मुझे जानू जानू कहती थी, हाय आज उसके बच्चे मुझे मामू मामू क्यों कहते हैं। हाय हाय, क्या हाल है खान साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कैसे, ठीक ठाक हैं? A1। आपने ये शेर सुना आखिरी वाला कैसर पिया का जो था? बहुत अच्छा। आप बहुत महजूज हुए इससे? ये शेर नाम ही सुनाते हैं, उन्होंने जो शक्ल बनाई हुई थी उसी से मामू लग रहे थे। अरे वाह, खान साहब ये बताइए कि आपको कभी ऐसा हुआ एक्सपीरियंस मामू बनने का? कई जगह हमने कुर्सियां लगाई, बाद में मामू बन गए। कुर्सियां भी खुद ही लगाते थे, बेटा यहाँ रखो, वो वाली उधर रखो, ये वाली इधर रखो। सदमा तो होता था हाँ, लेकिन काम तो करना पड़ता है। अच्छा, ये आपको देखते ही ऐसे चहक जाते हैं? देखा जी, बात ये है कि मुजाकरात में मैं जब जब आया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया। क्या कहने। और जब अपने घर में इंसान आ जाता है तो वहाँ औलाद जो होती है वो अनवाह अकसाम की होती है।
फिर उनके साथ भी गुजारा करना ही पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर आए? मुझे ऐसा ही लगता है। आपको भी सोफिया का ऐसा कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल। आपको भी लग रहा है कि आप अपने घर आई हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी आपको नहीं लग रहा ऐसा? अभी ऐसा फील नहीं हो रहा। नहीं, आधे घंटे बाद लगने लग जाए। ये तो कभी कभी काबू आते हैं। आपका तो मुकम्मल ये घर बनने वाला है, क्योंकि साड़ी कुड़ी है, बीमार रहती है ना यार। साथ ही तुमने एकदम उस बिचारी पे क्यों हमला कर दिया? मैं क्या इस करके कि ठीक हो जाए ना। ठीक तो है, मतलब जदों भी सानू मिलती है इंजी लगता सी आईसीयू च बैठे हैं। आज मेरी आंखों का मसला, गला खराब हो गया। अब मुझे समझ आई है कि जब जब वो बोलती है तुम अपने बटवा को छुपा लेते हो। थर्डी बीमार एक तजर्बा हो गया, डॉक्टर नु आप दवाई लेके दें दी। मगर वो मौसमी कुछ हो जाता है, गला वाला इंसान का खराब होता है। अच्छा, मगर मैडम आपने शो देखा हुआ है जी, तो आपको आइडिया है जी? क्या आइडिया है ये शो? इसमें डिफरेंट जो है सेलिब्रिटीज आते हैं और मॉडल्स आती हैं और जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। हमें ये पता ही नहीं था। तीन खूबसूरत नौजवान जो बैठे हुए हैं, खूबसूरत नौजवान, आप इतनी आसानी से ऐसी बात कर देती हैं? मेरी बात सुने, आपकी नजर तो नहीं कमजोर? नहीं बिल्कुल ठीक है। जिनकी कमजोर हमें पता सी, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आपने नौजवान का है कि नौजवान का है? जो बेहतर लगे वो समझ, वो समझ, जो बेहतर लगे वो समझ लें। अच्छा, उन्होंने तो कह दिया, मगर वैसे एक बात बताइए, आप अगर ये ना भी करते जो आपने कोशिश की है सर जी, लेकिन सदमे वाली बात, आपको सदमा किस बात पे हुआ है कि उनको कहा है और आपको नहीं कहा? नहीं नहीं, मैं तो हुई। कैसे? उन्होंने तो आपको बिल्कुल नहीं एड्रेस किया। वो अभी मेरी तरफ नहीं आए थे ना। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा आप, प्लीज इनकी तरफ आइए और बताइए। जी हसीन आदमी। हाँ साहब, ऐवे नहीं, हमारी जले और हेयर स्प्रे खत्म हो गए। सानू इंज ही लगा कि तुम साडा भी देली फिर रखे। इस तरह के बंदे अपना गाना सुन के कह रहे होंगे, नहीं ऑन कोई होर ही काम कर ला। मगर नहीं, आप ऐवे ना करें। आपने वैसे गाना सुना है इनका? नहीं सुना ना? देखा नहीं सुना? ऐ मैं हर अभी सुन लेंगी शुरू और एंड में, तो मैं भी काम खराब करते हैं। आप शो के अंदर गाना नहीं सुनती, गाने के बाद वाले पार्ट से शुरू करती हैं आप? नहीं, मैं देखती रहती हूँ कभी कभार, जब ये तीन हसीन नौजवान नजर आते हैं। हाँ, जब ये हसीन नौजवान मेरे सामने होते हैं तो फिर मैं थोड़ा बड़ी मेहरबानी, तुसी नहीं उठना ताड़ी वजह तो सानू कहन दे। नहीं, मगर वो तो अशरफ खान साहब भी सुन रहे हैं। उदों दे सकते जागे कि ये की हो रहा है। वैसे आपकी खान साहब से पहले मुलाकात हुई है कभी? नहीं। आपने इनको टीवी पे देखा हुआ? टीवी पे देखा हुआ आपको खान साहब? ये तो है। वैसे बड़ा मुश्किल है पिछले को 50 साल में ऐसा पाकिस्तानी गुजरा हो जिसने आपको टीवी पे ना देखा हो। अभी भी नए बच्चे देख रहे हैं। मगर ये वैसे खान साहब एक बड़ी रिमार्केबल बात है माशाल्लाह, कि कहने की बात है कि इंसान कह दे कि यार 40-50 साल तो आई गेस हो चुके हैं, है ना? तो सर 40-50 साल का मतलब है ऑलमोस्ट तकरीबन 2-3 जनरेशन है। यू नो, दादा की भी देखी, अब्बा की भी देखी, बच्चों की भी देखी उससे नीचे। सर आखिरी बार आपको कोई याद है कि वो फीलिंग क्या थी जब आपको कोई पहचाना ना हो कहीं पे देख के? कई दफा, एक दफा नहीं हुआ। अच्छा, अभी भी होता है? अच्छा, ये एक फैशन भी है कि दो लड़के खड़े हुए हैं तो उसने कहा ओए ओ आ रहे हो, ओ आ रहे हो टीवी वाला कहता तो फिर की हो गया आ रहा थे। मतलब वो तो खैर एक फैक्टर है के कुछ लोगों के अंदर के वो जानबूझ के एक्ट करते हैं, वो नहीं, लेकिन उसके अंदर भी वो आपको पहचान चुके होते हैं और फिर ही एक्ट करते हैं जी, वो कह रहे। मेरा सवाल ये था कि कभी आपको ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कम से कम कि आप कहीं गए हो और आपको कोई आगे से दो लोग नजर आए हैं आते हुए और उन्होंने आपको ना पहचाना हो? कम ही है ऐसा? कम ही होगा सर, 40-50 साल से आप माशाल्लाह जिस तरह आ रहे हैं टीवी पे, और ये मुझे बड़ा कई बार अजीब सा लगता है कि वो फीलिंग तो आपको याद ही नहीं होगी कि आपको कोई नहीं पहचान रहा। मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं स्क्रीन से पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं आउट नहीं कभी हुआ। बिल्कुल, एक होता ना 4 साल के लिए, 3 साल के लिए वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, फिर आए, वो ये यार दोबारा आया, नेवर। मुसलसल अल्लाह ने इन रखा हुआ है स्क्रीन पे नजर आता हूँ। बिल्कुल, कभी डुगडुगी चल रहा है, कभी बुलबुले चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी ये आपका खादिम चल रहा है जंजाल पूरा, तो वो मैं इन रहा हूँ, आउट हो जाने वाली बात नहीं। मुसलसल इन रहने के लिए दिल को साफ रखना पड़ता है करम साहब, सर को नहीं। मगर एक और उसकी एक वजह शायद ये भी रही है खान साहब कि आप पिछले 40-50 साल से आपने अपने आप को बड़ा जबरदस्त मेंटेन किया हुआ है। शुक्र अल्लाह का, शुक्र। और जो चेहरा हमने 50-50 में पहली दफा हिट होते हुए देखा था, रोनमा तो उससे पहले हो चुका था, लेकिन जब हिट होते हुए देखा बा आवाज, तो वो ही आज तक आपने मेंटेन किया है। फर्क तो पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, लेकिन ये है कि बहुत
वो अल्लाह ने ऐसी चीज़ दी मुझे कि मैं बद परहेजियाँ नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो भी खा लो ये भी खा लो, नेवर। खुराक बहुत मुनासिब रखी हुई है। वो मैं कहूँ कि जी मैं 4 मील वॉक करता हूँ, मैं सुबह यूँ करता हूँ, नेवर। क्योंकि हमारी रूटीन वो है कि आके 4 बजे 3 बजे तो सोते हैं हम रिकॉर्डिंग से, किस वक्त उठेंगे, किस वक्त वॉक करेंगे, तो जहाँ जहाँ मौका मिलता मैं करता हूँ। अल्लाह ने करम किया वो अपना, वरना कई हमारे साथी ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी एक दफ़ा, आज मैं फिर आपके गोश गुजार करता हूँ कि अपने आप को संभालना या रखना। मैं एक जगह खड़ा हुआ था तो अंदर से, दुकान के अंदर से आवाज़ आई, अशरफ अशरफ। मैं ये कौन है यार? अच्छा, मैं कौन है अंदर बंदा? कहता ये आपको बुला रहा है ये। मैं क्या यार, मैं चला गया, अंदर चला गया, मैं सामने बैठ गया। मैं क्या गौर से देखा, पछाणियो मैं कौन हूँ? मैंने की पता कौन है? और मैं नईम तेरा यार, मैं कम तेरा यार है, मार्केट भी डाउन करेगा। ओह यार कर, अपना हाला हाल ठीक कर, यकीन करना। वाह वाह, नहीं तो ऐसे भी दोस्त है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोगे वो हमारे बड़ों के भी दोस्त थे, मगर अपनी केयर नहीं करते सर। लेकिन अब देखो, बच्चे का फौरन सिला मिला, वो जेल लगाना, तेल लगाना, एक सेकंड में उनको वो मिल गया, वो के जी आपका है उसका। आपके नंबर उन्होंने काट दिए एक सेकंड। सुनिए मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग का आपको शौक बचपन से था क्या? नहीं, बचपन से तो नहीं था। पहले तो ये बचपन में से ही निकलता है। नहीं, बचपन में तो नहीं था मुझे, बचपन में ऐसा कोई शौक नहीं था। और मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। साइकेट्रिस्ट? अरे वाह। और मैंने उसके लिए स्टडी भी किया, मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, लेकिन उसके बाद मैंने मैथ्स कॉम शुरू कर लिया। मैथ्स कॉम में आने के बाद मैंने एक टीवी चैनल ज्वाइन किया, न्यूज़ एंकरिंग की। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा टफ है, तो मैंने शूट एक शूट किया। और उसके बाद मेरा ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं इससे हट नहीं सकती। साइकोलॉजी होता क्या है हमें तो बता दें, आपको पता, हम पढ़े लिखे हैं। कुछ आप जैसे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अश्कबारी का हुक्म जारी है, रो रही कौम ये बेचारी है, देखना चाहते हैं सड़कों पे, फिक्र किसको पड़ी हमारी है, ओपोजिशन में और हकूमत में जारी लफ्जों की गोलाबारी है। आहो आहो आ। Good, how are you? You know, I am really very happy today. Yeah, it seems like that. Last night somebody called me that, मैंने कहा ना, you remember me, Mr. Fabulous John Ferry? कौन था? मैं क्या, जिस बंदे ने मेरा कंप्लीट नेम याद है, इट मीन्स उस जिले च मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है। वो लास्ट समर दे विच उहदे नाल मैं बिजनेस कीता सी। अच्छा। यू नो, समर आ रहा है ते बाइकर बहुत निकलदे ने। अच्छा। वो फिर मैं ग्लव्स, जफलर इत्थे पाउण वाला, मफलर, यस, ते गॉगल्स। गॉगल्स जे उहदा मैं लास्ट सीजन दे विच बिजनेस कीता सी, बड़े पैसे बचे सन। ठीक है। वो मैं हिसाब लाया उहदे नाल, अगर मैं बिजनेस करा 5,000 पाने ते 5 मरले दा मकान 3 महीने बाद वाचते पे है। Could you please give me 5,000? मैं उहदे नाल कारोबार कर लवांगा, मैं अपना घर बना लांगा, तुहानू कदी कदी मैं खाने ते बुलाया करांगा। देण लगे अज चौधरी साहब, देण लगे पे। नहीं, इहनां कोल 5,000 हुंदा, अपना ओवन ना ठीक करा लैंदे। दीवार खड़का के कहने भाजी साडा सालन गरम कर। बेसिकली तुसी मेरी मायूसी दा सुबब हो। चंगे भले उन्हां दे दिल च ख्याल आया जी तुसी कढ़ाता है। कुड यू प्लीज हेल्प मी? नहीं, 5,000 मैं डोंट हैव इट। मैं 15,000 तो वापस करांगा। आदमी ने 5,000 5,000 ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ 5,000 ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੇਬ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3,000 ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਯਾ ਯੂ ਡੋਨਟ ਸਰ। ਉਹ ਜਦੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ। देश को तो एक MPA लग रहे हैं। नहीं, MPA नहीं, एक्टर हैं बड़े हमारे मशहूर। Oh, I love actress. Thank you. बाजी केरी पार्टी देने? वो भी मॉडल हैं। हाँ, लग रहे ने मॉडल। Yes. Could you please help me just 5,000? मैं सोच रहा हूँ। मैं 5,000 पैसे जी तो अनु पूरी दुनिया दी विजिट करावा। Let me dedicate you a one song. वाह। केरा गाना तुसी, केरा गुल्लूकार तुसी। जेड़ा दिल कर। आपको किस सिंगर पे गुस्सा है? सारे सिंगर अच्छे। जो आपका फेवरेट हो सुना दे।
राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली बजे छोटे सारे में गा रहे हैं। मेहंदी हसन साहब का कोई गाना सुना? मेहंदी हसन साहब जी। एक हुस्न की दीवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, फिर उसकी मोहब्बत में एक हुस्न की दीवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वाह इहो जिहा गाना सुना के ना ते 5,000 हथों देईदा। बिल्कुल प्यारी हैं सनी जी आप, इतनी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, सबको अच्छी लग रही हैं। तो कभी ऐसा हो कि आपको भी कोई बहुत अच्छा लगा हो? ऐसा अभी तक तो कभी भी नहीं हुआ। तो लेकिन कैसा शख्स होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे? मैं कैसा बनूं? मैं टोपी वाला बुरखा पाला भी लाके वहां। वैसे मैंने अभी इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब सोच ले, मैं जिंदगी में कभी किसी को भी शामिल करना चाहती हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक आइडियल तो होता है ना जिंदगी में। हाँ, आइडियल जरूर होता है, बस ऐसे ही होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, दिल का अच्छा उसको सबसे पहले होना चाहिए। उन्होंने दास्तान ना मेरा दान। वेल सेटल्ड भी होना चाहिए, वेल एजुकेटेड भी होना चाहिए। वेल सेटल्ड होना चाहिए और वेल एजुकेटेड भी होना। वेल वेल करी जा रही है, इनकी कोई मियाद भी है कि क्या कितना कोई वेल एजुकेटेड हो? इतना होना चाहिए कि उसको आई थिंक औरत से बात करने की तमीज होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा आपने आसान कर दिया, ये तो यू नो 8-10 जमातों में भी मैनेज हो सकता है। बिल्कुल, टाइम बहुत ज्यादा डिग्रीज लेने के बाद भी एक मर्द को औरत से बात करने की तमीज नहीं है, तो वो मैं उसको तो एजुकेटेड नहीं, मैं यही इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये तो आपने आसान कर दिया। मैं समझ रहा था अभी आप कहेंगे डबल PhD कोई इस तरह की चीज़ों को डॉक्टर, बस मगर ठीक है ये तो हो गया। और वेल सेटल्ड का कोई मियार? वेल सेटल्ड का मियार ये कि जितना वो मुझे अफोर्ड कर सके। मसलन तुसी दसो कितना खर्चा तुहाडा, तुसी कड़ा सिगरेट पींदे जे तुसी? Well settled हो और अफोर्ड कर सके आपका लाइफस्टाइल। 50 लाख महीना काफी होगा आपके लिए? अजय तेरी मिन्ता करके 50,000 तनख्वाह की थी। 50 लाख? खान साहब ये क्या बातें कर रहे हैं आजकल के लड़के? बातें तो अच्छी करनी चाहिए, कोई उसमें हर्ज नहीं, लेकिन सोच पे किसके पहरे हैं? लेकिन खान साहब हकीकत पे भी कुछ बातें मबनी होती है ना। मगर मुझे तो ये हैरत हुई कि वो फौरन उन्होंने 50 लाख पे हाँ कर दिया। हाँ सब 50 लाख पे हाँ ही बनती है। और अच्छा कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो 50 लाख पे ना करे, है ना? मुनासिब है, 50 भी मुनासिब। मुनासिब है लेकिन 20-25 लाख कमाता हो ऐसा तो या कोई भी नहीं है। काफी वो बताते नहीं है। पहले पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट गार्डन जो और अदारे तश्कील देते जा रहे हैं। क्या मतलब? नवा अदारा बना दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, है प्राइम मिनिस्टर टू स्पेशल असिस्टेंट जुगतोलॉजी फॉर शेम शेम। स्पेशल असिस्टेंट फॉर जुगतोलॉजी? हाँ, फॉर शेम शेम, फॉर शेम शेम। एक ही मैके जी अदारा बना देता। इमरान खान साहब, अच्छा मैंने कहा था मुबारक हो निर्गोली, हाँ। तुम इस अदारे के रूहे रवां हो। हालांकि मैंने पता नहीं रूहे रवां की होंगे। उदो ने मेरी रूह फना हुई, भाई मैं क्या करना की है सर? हाँ जी। कहने ने देखो मिस्टर निर्गोली, ये जो करप्शन के किंग्स हैं, हाँ। इनके साथ हमने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, हाँ। डरा के देख लिया है, हाँ। धमका के देख लिया है, हाँ। इनको जेल के अंदर डाल के देख लिया है, हाँ। इनको मुल्क से बाहर फेंक के देख लिया है, पैसे नहीं आ रहे वापस। भाई इन्हों को सारे पैसे अगर मुल्क वापस आ जाए तो महंगाई घट हो जाए। बिल्कुल, महंगाई ने मेरी रात का नींद आराम कर दी है। ठीक है, मैंने अब सोचा है कि इनके लिए नई टेक्निक इस्तेमाल करें। वो क्या? इनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाए, हाँ। उनमें बंदे भर्ती करें, हाँ। जो 24 घंटे इनको जुगते करें। इन्होंने कहते ने जुगता इतनिया करो कि इन्होंने शर्म आवे। अच्छा जी सर। कहते ने बंदे भर्ती करो, ए जाके इन्होंने एवन फील्ड लंदन दे विच जुगता करन। जिस वे लंदन दे विच जुगता करन, TADA दियो इन्होंने पाउंड दे विच तनखा दियो। जे पाकिस्तान दे विच बिलावल हाउस दे के खलो के जुगता करन, मॉडल टाउन दे के खलो के जुगता करन, ते इन्होंने पाकिस्तानी करंसी पे कीती जाए। ठीक है, इन्होंने गड्डियां दित्तियां जान, इन्होंने सहूलतां दित्तियां जान,
और बंदे लभ के बनाओ ठीक है। तो मैं क्या थोड़े नाल आके मशवरा करा क्योंकि तुसी भी कोई एडे समझदार ते नहीं ना exactly. लेकिन फिर भी मशवरा ते करना चाहिदा हाँ। कोई ऐसा बंदा दसो हाँ। जेड़ा मास्टर होवे इस काम दा अच्छा माशाल्लाह भुगतान दे शब्बर जैदी साहब ते इतने मैं दो दिन हो गए सुता नहीं ते माशाल्लाह अशरफ खान साहब तुसी कोल बाए होए ने सर जी मुबारक हो अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਫਕੋਰਸ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैडम सब तो वड्डा नाम वाला कहिंदा है मेरा तस्वीर लेके प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं पहले करा लवां इट हैज बिन त्रिगड़दाम ते उस तो बाद असी एक पूरा डिपार्टमेंट बनाइए सर इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल इस मुल्क ने सानू इज्जत दी है दौलत दी है शोहरत दी है तुसी की दिता है पुत्र एक और दिता ही तो सारी जिंदगी जलील की खबर क्या है फ्री में पिज्जा खाना किसको अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर 9 साल बगैर ऑर्डर किए आपके घर रोजाना पिज्जा डिलीवर हो रहा हो तो आप यकीनन परेशान तो होंगे ऐसा ही कुछ हुआ बेल्जियम के एक शख्स के साथ जिसे रोजाना 10 मरतबा पिज्जा डिलीवर किया जाता रहा उस शख्स का कहना है कि शुरू शुरू में तो उसे काफी अच्छा लगता रहा मगर अब ये आलम है कि इस खौफ से उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं उस शख्स ने ये भी बताया कि उसे यकीन है कि ये किसी ना किसी की साजिश हो सकती है मेहमान आवे तो समझदा पिज्जे वाला आया दूध देना आया अखबार वाले ने कहता हाँ जी पिज्जा कितने अखबार से नहीं रखा पिज्जा वैसे अच्छी चीज है खाना चाहिए आपको है पसंद मेरा यूके का पिज्जा लगा वो जो आपका यूके का लगा है वो वीजा है वैसे आपको है खान साहब शौक हर नेमत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए क्वांटिटी कम कर ले क्या वाह क्वांटिटी कम कर दे यानी कि छोटा खाएं हर चीज मगर उतनी खाएं जितनी के आप बर्दाश्त कर सकें खान साहब ये जो आपने कहा ना कि उतनी खाएं जितनी के आपकी बर्दाश्त कर सकें सर यही तो आपने गलत जुमला बोल दिया कि हमारी तो बहुत बर्दाश्त है पिज्जे और वो ना खास तौर पे रात को 12 बजे जो होम डिलीवरी करता है ना वैसे आपको है सोफिया शॉप नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा आपको नहीं है नहीं क्योंकि जैसी मैं जिस फील्ड में हूं तो फिर डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल लेकिन बाबर आजम तो पिज्जा खाता है वो ये क्या बात हुई बाबर आजम तो खाते हैं पिज्जा अब उसको खाने दें मैं तो नहीं खा सकती आपको किस चीज का शौक है मिट्टी खान मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ मैं हवा खा लूँ तो वो काफी होती है वैसे ये आपने तो इस फील्ड को ऐसे बदनाम कर दिया इतना भी कोई मामला नहीं है नहीं ऐसा नहीं है लेकिन हाँ डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल जैसे खान साहब ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा तो जिसकी वजह से वो अभी तक इतना यंग है तो आप यानी कि बड़े होकर खान साहब बनना चाहती हैं मैं खान साहब की तरह यंग इस तरह नहीं मुझे कि रखोगे मैंने यंग दिखने की बात की है लीजिए फिर 20-20 खेलते हैं आपके साथ सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा उन ऑप्शंस में से लेडीज फर्स्ट साथ ही आपने ये भी कर दिया तो सोनिया को बताया चलो कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे और ऑप्शंस दूंगा आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं ठीक है सो यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर
तो आपसे स्टार्ट करते हैं। सुनिए जी, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद ही बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। कायम अली शाह साहब होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं HSY, मारिया बी और आसिम जोफा। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आसिम जोफा। ठीक है, HSY, स्माइल एंड मारिया बी। मारिया बी का फ्लोर आ गया है। ठीक है जी, इनका फ्लोर आ गया हुआ है। ये बताइए, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं चांद पर छोड़ेंगी, ऑल दो यू विल कम बैक। तो कौन है वो जो आपके साथ जाएंगे और चांद पर रहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब शेख रशीद। मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान वहां पर रहेंगे। ठीक है, ये बताइए मैडम के मजबूरी के तहत इनमें से किसकी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आप घर में लगाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत साहब, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रही हैं आप, दो VIP पास हैं आपके पास सोनिया, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जा सकती हैं। कौन होगा वो जिसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। अली जफर होंगे वो, क्या बात है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइव जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइव जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर, अशरफ खान साहब और बाबर आजम। बाबर आजम ही बचेगा और क्या। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इनकी जरूरत है, तो आई थिंक बाबर। बिल्कुल सही बात, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बाबर आजम की जरूरत है, पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर की जरूरत हो या ना हो, जिसके अंदर क्रिकेट टीम है। ठीक है जी, खान साहब जी, चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट है, किसको वहां छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब तौकीर नासिर और जनाब फिरदौस जमाल। यार फॉर द टाइम बीइंग छोड़ना है, फिर आ जाएंगे वो, ये नहीं मुझे पता। नहीं, अगर आ जाएंगे तो फिर तौकीर को छोड़ आते हैं, और अगर ना आए तो नहीं, मैं जनरल ऑप्शन उस पे जाना नहीं, नहीं जाना चाहते ना, ना जाइएगा। तौकीर को छोड़ा है, तौकीर नासिर साहब को उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है सर, बताएं फिर लिफ्ट के अंदर आप भी हैं, तीन लोग, किसके साथ सेल्फी, किसको स्माइल और किसका आ गया है फ्लोर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं सबा हमीद साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा और समीना अहमद साहिबा। तो सेल्फी किसके साथ है? बुशरा अंसारी। स्माइल किन के लिए है? समीना अहमद। और किसका फ्लोर आ गया है? अब आओ, किनका रह गया, रह कौन गया? सबा हमीद का आपने जी, उनको काम है उस फ्लोर पे, इसलिए उनको कहा फ्लोर आ गया। ठीक है, ये बताइए फिर के मजबूरी के तहत तस्वीर लगा रहे हैं घर में, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और खलील रहमान कमर। फरदौस। फरदौस आशिक अवान को लेके जाना चाहेंगे। ओए होए होए होए, सर बताइए फिर, गाड़ी में जा रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, चार सीटें बाकी हैं, कौन होंगे वो चार लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं महमूद असलम, नैयर एजाज, नुमान एजाज, हुमायूं सईद और नबील। जो इनमें से तेज भागता होगा उसे छोड़ देंगे हम। वो कौन है? नैयर एजाज आएगा, ऐसे दौड़ता हुआ आएगा। अच्छा, नैयर एजाज साहब को आपने नहीं बिठाया। सर डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं माहिरा खान, महविश हयात, नौशीन शाह, आयशा उमर, सोनिया चौधरी और हिना दिलपजी। नहीं नहीं, इन्हीं चॉइस। सबा कमर, महविश हयात। ओए होए, महविश हयात, माहिरा खान, सबा कमर, सोनिया चौधरी, नौशीन शाह, आयशा उमर, सबके दरमियान से महविश हयात। कोई खास वजह सर? फेवरेट आर्टिस्ट मेरी। ओए होए, मैंने उनकी फिल्म देखी पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं बहुत मुतासिर हुआ उनके उस काम से। अच्छा, बाकी भी काम अच्छा करती हैं वो, लेकिन लेकिन जो महविश हयात ने पंजाब नहीं जाऊंगी मैं एक्टिंग कर दी। ओहो, बहुत आला। ओए होए, उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि लाइफ जैकेट ये महविश हयात को ही देंगे। जी उन्हें कह दें। खान साहब थैंक यू सो मच,
हमेशा की तरह बहुत ही मजा आया आपसे मिलके दोबारा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।